गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माई नेम इज कमलजीत राणा, हर नेम इज ज्योति सेठी, जानते हो गए आप लोग। हम लोग हैं हाईवे पे, हम लोग अर्ली मॉर्निंग आज सुबह सुबह निकल चुके हैं मुंबई के लिए। जयपुर क्रॉस कर चुके हैं हम लोग एंड वी आर अबाउट टू रीच उदयपुर। हम उदयपुर से कुछ लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। वी जस्ट टुक अ वेरी स्मॉल ब्रेक, एक चाय पी हम लोगों ने अच्छी सी, बिकॉज सुबह सुबह जब मैं निकल रहा था तो किसी ने चाय बनाई थी और वो चाय इतनी लाजवाब थी कि मेरी नींद तो खुली नहीं। सुबह सुबह के चाय बनाई मेरी बच्ची ने, वही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। प्यार से बनाई मेरी बच्ची ने मेरे लिए चाय। कि जब से हम लोग निकले बस बारिश ही बारिश चल रही है, बट इतनी तेज नहीं है कि हम ड्राइव ना कर सके आराम से। हाईवे तो बहुत ही प्यारा यार। अगर आपको याद हो मेरे, अगर आपने व्लॉग्स देखे हैं ना वो वाले, जब मैं बाइक से गया था दिल्ली और फिर दिल्ली से वापस भी मैं बाइक पे ही आया था, उस व्लॉग्स में मैं आपको बताया था कि ये जो हाईवे ये तो बहुत ही सुंदर हाईवे, अमेजिंग हाईवे। जैसा कि आप देख सकते हैं काले बादल छाए हुए, वर्षा के पूरे आसार नहीं, वर्षा हो रही है। Everything open by button aaj to everything, like I am doing anything at this has a button for everything, but there is still no button for you. There can never be a button for me. You always pray there should never be a button for me. Please, there is all dark, but please pray there is no button for me always. Let's go. Very hungry. Lunch नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस हल्का फुल्का कुछ खा रहे हैं, बिकॉज मैं भी थक गया था गाड़ी चलाते चलाते थे, और अब जो है ज्योति टेक ओवर करेगी, प्लस डीजल भी फिल कर रहा है। सबसे पहले मैंने एक चाय ऑर्डर कर दी अपने लिए और ज्योति के लिए। बड़ा मजा आ रहा है ड्राइव करने में। क्रूज कंट्रोल की सेटिंग थोड़ी अच्छे से पता लगी तो और रिलैक्सिंग होगी ड्राइव। मीठी है बहुत। इतनी तो स्वाद चाय कोको बहुत मीठी है। आई थिंक बिकॉज मैं थोड़ा मीठा ज्यादा लेता हूँ ना चाय में, इस वजह से हो सकता है। दे दे ला दे दे। मैंने कम कर दिया ना, इस वजह से हो सकता है। पक्का तुमने कम किया ना जो मैंने सुबह में कम लगी थी मीठा। Yes. वो मेरे को इतना अच्छा लग रहा था सुबह वाला। सुबह जो तुमने बनाई थी ना चाय। हाँ। मैं उसको भूल ही नहीं सकता। ब्रेक ओवर, अभी सबसे पहला काम है डीजल डलवाना। डीजल कितना रुपए लीटर है? 98 चल रहा है। ज्योति मस्त मस्त सोइए ना ज्योतु, तू बीच में दो घंटा अब मेरी बाली छूने की। अभी ज्योतु ड्राइव करने वाली है, डीजल फुल करते ही और मैं सो जाऊंगा आराम से। ऑटो कट हुआ और डालो। नहीं, 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 नहीं। ऑटो कट हो गया तो ठीक है, कार्ड मशीन दे दो। बादल बेसिकली क्या है ना, हम लोग जिस रोड से गुजर रहे हैं अभी, दिस इज माउंट आबू जो एक जगह है उसकी रोड है। राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग माउंट आबू बाईपास रोड। इतना सीनिक ब्यूटी, इतनी सुंदर है ना, इतनी सुंदर, और साथ में है गोलू। बड़ा एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, बड़ा रास्ते को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। सो के तुम अब उठे हो, क्या एंजॉय कर रहे थे तुम? नींद तो पूरी करनी है ना, एक एक घंटे तो नहीं कर रहे। मैंने तो 2 मिनट में एंजॉय कर लिया। अभी देखो पहाड़े कितने अच्छे से ज्योति चला रही है। हार्ट एंजॉय किए ना तुम्हारे सोते हुए। बाय द वे, वो जो फुटेज अभी आपने देखी है वो उसके नीचे से टनल के टनल वाली निकलते हुए, और घाट वाली को मैंने लिए, कमल सो रहा था। और जैसे ही हमारी वार्तालाप शुरू हुई, और ये देखिए बारिश शुरू, वर्षा ऋतु का आगमन, बहुत तेज वर्षा, और ये जो पागल की तरह घूम रही है हमारी गाड़ी का वाइपर। एंड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरे बीच मौजूद है टोनी कक्कड़ की बहुत बड़ी फैन ज्योति सेठी। मतलब मैं 6 नए गाने सुन चुका हूँ टोनी कक्कड़ के। कुछ कुछ होता अभी जो लेटेस्ट था वो था कुछ कुछ के, नहीं नहीं ये लेटेस्ट नहीं है, वो है तेरी बुआ की फूफी की मौसी की बेटी ने, समथिंग लाइक दैट। मेरा बैंड बज गया, मैं तो घोड़ी चढ़ गया, ऐसा था। और अभी जो सुना वो था कुछ कुछ होता है, काला 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 काला, फिर एक और था। मैं फैन नहीं हूँ उसकी, लेकिन क्या है ना, तू तो चॉकलेट है, वो तो मेरी चॉकलेट है, ये गाना भी था। मतलब टोनी कक्कड़ कोई भी नया ऑब्जेक्ट देखता है ना, कुछ कुछ होता है गाने में, तो चॉकलेट है वो धुन वही पकड़ है। सारे टोनी कक्कड़ के सारे गानों की धुन एक ही होती है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो वही लगता है। आपको क्या लगता है बताओ? बताना जरूर। और टोनी कक्कड़ का और मेरे तो बैंड बज गए। अरे हम सारे गाने मिक्स कर रहे हैं, वी आर मिक्सिंग ऑल द सॉन्ग्स। मैं सेड दिस, आई रियलाइज एक्चुअली सेड दिस, फूफा की बेटी ने मोदी ने ना 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 ना, कुछ कुछ होता है। देखा
सेम टोन जैसे वो नहीं था, दो एकम दो दो दूनी चार दो तीन अय्या दो चौके अय्या दो छक्के, टीचर कह रहा अबे पढ़ा तो तुझे सुना दिया लेकिन वैल्यू क्या कर रहा, सर वैल्यू मुझे याद नहीं सिर्फ धुनी याद थी, मैंने बदल दिया पूरा पूरा। We have stopped for lunch break. बहुत भूख लगी है और ड्राइवर सीट चेंज हो गई, पीछे हवा भरवाई थी, भूख लगी लगी छे या लगी छे लगी छे लागो छे तुम डिसाइड करो, तब तक मैं बता दूं हम लोग यहाँ पे रुके केम छो मजा मा नहीं, तुम्हारे साथ ट्रैवल करमो छो नो मजा मत छो ओनली टू मच प्रेशर छो। ओके तो हम यहाँ पे रुके, एक अच्छी सी जगह दिख गई है हम लोगों को, चल बच्चे चले, नहीं ऐसी रोकी गाड़ी मैंने तो ज्यादा ना मेरा वो ना कर, बाय द वे गाइस नो ऑफेंस, हां नो ऑफेंस, वी लव गुजराती लैंग्वेज। ठीक केम छु मजा मत छु हाल पूछो यो ता नाल गाल समझ आवे मुंडा नच नच करके पंजाबी गीत गावे। टेल मी इफ यू रिमेंबर द सॉन्ग। आई डू। यू गाइस यू गाइस आप एक काम करो, आपको जो लगता है ना बेस्ट वो लाओ, सरप्राइज मी सरप्राइज मी, कुछ भी गुजराती जो लोग ज्यादातर आपके पास आके खाते हैं और पसंद करते हैं ना, वो एक सब्जी और साथ में रोटी होती है, क्या होती है बेसन बिट्टा दे, बढ़िया मजा आएगा। ठीक हां वो भैया जो कह रहे हैं ना वो बोल दो। हां तो साथ में क्या रोटी होती है उसकी क्या होती है? रोटी भी है, पापड़ी भी है। क्या खाना चाहिए? बाजरी का रोटी, बाजरी का रोटी ले लो, एक एक पापड़ी दे दे दो। हां बस स्टाइल कट्टे होते हैं ना। To all the Gujarati people out there, we just had the most amazing food. Gogo, क्या क्या था जरा बताना, मुझे तो उसे कुछ याद नहीं रहता। एक तो गट्टे की सब्जी थी, कोई गट्टे की सब्जी वो exactly उसे क्या बोलते पता नहीं, बट बेसन के गट्टे थे उसमें। एक हमने खाई मिक्स वेज तरी वाली, वो भी गुजराती स्टाइल में बनी हुई थी, और एक खाया वो लहसुन की चटनी जो होती है, लहसुन और हरी मिर्च की, वो मुझे मैं जानती थी उसके बारे में पहले से, बिकॉज आई हैड गुजराती नेबर्स कुछ सालों पहले। और साथ में हमने कोई तो भाकरा और एक वो रोटी, कौन सी जवार की रोटी शायद, ऐसे दो तीन चीजें खाई, और वो बटर मिल्क, बटर मिल्क, पेट इतना मजो आ गयो छे, मजी आएगी। ओके टाइम हो गया, बासी ले रही हो या फिर फाटक खोल रही हो? वी हैव जस्ट स्टॉप फॉर अ टी कॉफी ब्रेक, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी वो हमारा होटल होगा, जो हमने होटल स्टे बुक किया हुआ है। आई थिंक दिस इज द लास्ट, अब करेंगे मतलब हाँ वही, इस ब्रेक में डिसाइड कर लेंगे कहाँ रुक रहे हैं। अभी जा रहे हैं, ज्योति को पीनी है चाय और मुझे पीनी है काफी, हो गया यहाँ पे बात काफी, लेट्स गो साथी। चाय काफी फाफड़ा ज्योति, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर होटल जो हमने बुक कर दिया है। अब नाउ इट विल टेक अराउंड वन एंड हाफ आवर फॉर अस टू रीच देयर, एंड देन थोड़ा सा आराम रेस्ट कर पाएंगे, फिर अगली सुबह को हम निकलेंगे घर की ओर, बच्चों के पास, बच्चे मेरे बच्चे को तो ना नोचने वाले हैं ना, नोच मिष्टी तो खा जाएगी मुझे लग रहा है, मिष्टी तो गजब खाएगी हम लोगों को, गुस्सा करेगी वो, गुस्सा बहुत, हां तू भी गुस्सा होके बैठ जा, सांसें मार दो कर दो। चेंज कर लिया है, चेंज कर लिया मतलब आके एकदम फ्रेश फ्रेश हो गए हैं, बिल्कुल नहा धो के एकदम, और चाय भी कपड़े बदले नहीं है लेकिन कपड़े नहीं बदले लेकिन बिकॉज एक्चुअली क्या ना यार, हम लोगों का पूरा लगेज पूरा सामान ना एकदम पैक पड़ा हुआ है गाड़ी में, तो ऐसा हो रहा है कि यार कि निकालें कि नहीं निकालें, मतलब वो हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ट्रैवल ही करना है। कह रही हूँ कि निकालो कमल
सोच रहा है कि निकालूंगा लेकिन मुझे लगता नहीं कोई वहां तक जाएगा। हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है, सुबह यही गंदे कपड़े पहन के मुंबई के लिए निकल ले, क्योंकि हमारी बैंड बज हुई है, बिल्कुल गंदी वाली बैंड बजी हुई है। और रात को ज्योति मेरे को ना नींद नहीं अच्छे से आती ना, तो आज हमने अलग अलग बैंड लगवा लिए। नोटिस ही नहीं किया कि लोग नोटिस करेंगे। तो उधर ज्योति का बैंड है, सोते हैं अब हमारी शादी को 5 साल हो गए यार, अब तो फिर अलग अलग ही सुना। 5 नहीं हुए वैसे, 4 भी नहीं हुए अभी। कमल हमारी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है नवंबर में, मेरा बर्थडे भी आ रहा है। चल खैर वो तो याद नहीं है उसको, छोटी मोटी चीजें कहाँ रहती रहती है लड़की को। कुआस मार रहे हो, कल तुमको मैंने बोला तुम्हारे बर्थडे पे क्या करेंगे, इतने बदतमीजी से। ये अभी तो तूने नहीं बोला लेकिन खैर एनीवेज अभी हम बस रेस्ट कर रहे हैं। एंड आई विल गो टू सी यू गाइस टुमारो नाउ इन द मॉर्निंग व्हेन वी हिट द रोड। अभी के लिए गुड नाइट।